हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सत्तू का पराठा। तो यहाँ सबसे पहले हमने जो ड्राई रोस्ट चना होता है उसको हमने एक मिक्सी में डालकर उसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। यहाँ हमारा सत्तू बनकर तैयार हो चुका है। वैसे तो मार्केट में सत्तू मिल जाता है, बट हमारे मतलब हम लोग जहाँ अभी बेसिकली रह रहे हैं जहाँ पे, वहाँ सत्तू नहीं मिलता है, इसलिए हम इस तरह भी सत्तू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो साथ ही हमने सत्तू में ऐड कर लिए हैं 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 छोटे प्याज, हरी मिर्च 4 से 5 लिए हुए थे उनको फाइनली चॉप करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। अभी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मंगरेल, 1 छोटे चम्मच के लगभग। मंगरेल बोलते हैं इसको और कलौंजी भी बोलते हैं, वो हमने ऐड कर दिया है। साथ ही अजवाइन हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच, उसको अच्छे से हम अभी हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ लेमन का जूस हम इसमें ऐड करें, यानी कि नींबू का जूस वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर। तो पानी हमें उतना ही यूज करना है जिससे कि ये बाइंड होने लग जाए, मतलब जब हम उसको अपने मुट्ठी में लेंगे तो वो बाइंड होने लग जाए, बंधने लग जाए, उतना ही पानी हम यहाँ पे यूज करेंगे। और मैंने यहाँ पे 1 कप के लगभग पानी यूज किया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेंगे, एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसको प्रॉपरली मिलाते रहना है। अभी मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून एक्चुअली रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रीन चिली जो है 4 से 5 ली हुई है। साथ ही चटनी भी बनेगी इसके साथ, तो हमने तीखा उसी के अकॉर्डिंग अपना सेट कर लिया है। यहाँ हम पराठों को बनकर सॉरी भर कर तैयार कर लेंगे। आटे में मैंने कुछ नहीं मिलाया था, सिर्फ आटे में नमक मिलाकर मैंने नॉर्मल आटा गूंद लिया था। अभी हम इसको अच्छे से प्रेस करते हुए, जिस तरह हम आलू के पराठे स्टफ करते हैं उसी तरह हम ये सत्तू भी स्टफ करेंगे पराठों में। और यहाँ मैं आपको 2 जो पराठे हैं वो भर कर दिखा रही हूँ। सेम इसी प्रोसेस से दोनों पराठे भर कर हम रख लेंगे और दोनों पराठों को अब हम बेलना शुरू करेंगे। तो बेलेंगे हम वही नॉर्मल प्रोसीजर जो रहता है वही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ हमारे पराठे बनकर अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आप इसको दही और चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।